दोस्तों आप लोगों को मैं आज माइक्रो कंप्यूटर वर्सेस मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में बताऊंगी। तो आज का क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर। पहला पॉइंट, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1917, यानी माइक्रो कंप्यूटर 1970 पर इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। और मेन फ्रेम कंप्यूटर, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1975 और मेन फ्रेम कंप्यूटर 1975 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। दूसरा पॉइंट, इट जनरली कंसिस्ट ऑफ वन प्रोसेसर, यानी माइक्रो कंप्यूटर में वन प्रोसेसर होते हैं। इट जनरली कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर, और मेन फ्रेम कंप्यूटर पर आमतौर पर मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, इट कैन नॉर्मली बी यूज बाई वन यूजर एट ए टाइम, यानी माइक्रो कंप्यूटर को एक समय में एक ही यूजर आमतौर पर यूज कर सकती है। इट कैन सर्व 100 to 1000 कनेक्ट यूजर्स एट ए टाइम, और मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक समय में 100 से 1000 तक लोग एक साथ कनेक्ट हो सकती है। उसके बाद अगला पॉइंट, इट साइज इज वेरी स्मॉल, यानी माइक्रो कंप्यूटर की साइज छोटे होते हैं। और इट साइज इज बिगर देन माइक्रो कंप्यूटर, और मेन फ्रेम कंप्यूटर की साइज माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, इट स्टोरेज कैपेसिटी इज लो कंपेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी माइक्रो कंप्यूटर की मेन फ्रेम कंप्यूटर से स्टोरेज कैपेसिटी कम है। और इट स्टोरेज कैपेसिटी इज हाई, और मेन फ्रेम कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है। इट इज इनएक्सपेंसिव, यानी माइक्रो कंप्यूटर कम महंगा है। और इट इज मोर एक्सपेंसिव, और मेन फ्रेम कंप्यूटर ज़्यादा महंगा है। उसके बाद अगला पॉइंट, इट इज यूज एट होम ऑफिस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी माइक्रो कंप्यूटर की यूज होम ऑफिस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होती है। और इट इज यूज बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक, और मेन फ्रेम कंप्यूटर की यूज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बैंक्स पर यूज की जाती है। एग्जाम्पल्स, माइक्रो कंप्यूटर की एग्जाम्पल्स है IBM PC, Apple Macintosh etc, और मेन फ्रेम कंप्यूटर की एग्जाम्पल्स है IBM 370 एंड NEC etc। तो ये था कुछ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।